प्रकरण में पुलिस ने किया खुलासा। बताया जा रहा है कि महिला का हत्यारा उसका पति ही निकला। हत्या का कारण अवैध संबंधों के शक का होना बताया गया है। बुधवार को पुलिस लाइन सभागार में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान एसपी सिटी राधेश्याम राय तथा सीओ सदर प्रज्ञा पाठक ने जानकारी देते हुए बताया है। आइए चलते हैं हमारे संवाददाता की ओर। सर, लक्सर थाने क्षेत्र में एक घटना, महिला की बॉडी मिली, उस मामले में क्या निकल के सामने आया? काशी जनपद के रक्सा थाना क्षेत्र में गंगौली गांव में एक सूचना आई थी कि खेत में एक महिला की डेड बॉडी पड़ी हुई है। इस सूचना पर सभी पुलिस के अधिकारी तत्काल मौके पर पहुंचे। मौके पर पहुंच के लोगों से वार्ता की और तत्काल FIR पंजीकृत कर इसकी विवेचना शुरू कर दी। FIR उस महिला के पिता ख्याली प्रसाद जो हैं, जो मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, उन्होंने लिखा। उन्होंने उस महिला के पति समेत उनके चार भाई और सास ससुर के खिलाफ मुकदमा लिखवाया था। पुलिस द्वारा विवेचना में यह तथ्य प्रकाश में आया कि पति पत्नी के बीच आपसी झगड़े होते थे, जिससे खेत में ही पति से ने उसका गला घोट के रस्सी से हत्या कर दी थी। इस सूचना पे जो चश्मदीद एक गवाह थे, जो छुप गए थे, सामने नहीं आ रहे थे, जब उनसे ये पता चल गया तो फिर अभियुक्त की गिरफ्तारी की कोशिश की गई। अभियुक्त को इमलिया चौराहे से गिरफ्तार कर लिया गया है। उसकी निशादेही पे रस्सी बरामद कर ली गई है। अभियुक्त द्वारा वार्ता में कबूला गया है कि उसकी पत्नी पिछले करीब 2-3 महीने से रोज लड़ाई करती थी। आज भी वह खेत में मुझसे लड़ाई कर रही थी। उसके लड़ाई झगड़े से उबकर मैंने आज जिस रस्सी को वो चारा बांधने के लिए लाई थी, उसी रस्सी से मैंने उसकी गला की हत्या कर दी। ये प्रेम प्रसंग का ऐसा कोई मामला नहीं है, ये पति पत्नी के झगड़े का मामला है, जिसमें पति ने गुस्से में आके ये कदम उठा लिया था। झगड़े की वजह क्या थी, क्या क्यों झगड़ा होता था? ये इसके समझ में नहीं आया। इसे हमने पूछा झगड़ा क्यों होता था, कि तुम लोगों का रोज लड़ाई झगड़ा क्यों होता था? तो इसका कहना था कि मेरी शादी को करीब 17 साल हो गए थे। 17 साल में करीब 16 साल से वो कभी हमसे कुछ नहीं बोली, जो मैं कहता था वही करती थी। कभी मेरे किसी भी बात का जवाब उसने नहीं दिया, लेकिन इधर कुछ दिनों से वो मेरे बातों का जवाब देने लगी थी और इस कारण वो मुझे गुस्सा आता था। उस दिन खेत में वो मुझसे ज़्यादा लड़ने लगी, लड़ते लड़ते मेरे परिवार और मेरे खानदान में पहुँच गई, जिससे मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। उस गुस्से में मैंने ये कदम उठा लिया। कैसा, पति किसी और से इंटरव्यू दिया? नहीं, किसी की ऐसी कोई सूचना नहीं है। जो रस्सी मौके पर मिली, उस रस्सी के बिहार से कैसे पुलिस पहुंची, सरकारी तक क्या इस तरीके? ये विवेचना का बिंदु है, विवेचना के बाद हम इसको देख लेंगे। क्या डॉग स्क्वाड ने भी मदद करी थी? हाँ, जब मौके पर जो ही घटना की सूचना मिली थी तो घटना स्थल पे हम लोगों ने तत्काल डॉग स्क्वाड और फील्ड यूनिट को बुला लिया था। डॉग स्क्वाड और फील्ड यूनिट की भी इस अनावरण में महत्वपूर्ण भूमिका। कैसे डॉग स्क्वाड कैसे पता किया कि ये कातिल यही है, क्या रस्सी सूंघी थी? ये विवेचना का बिंदु, इसको हम परिवार वालों का क्या हाल? परिवार वालों का भी संतुष्ट है, उनका भी। सर, इसमें जो नाम दर्ज है मुकदमा नहीं, बाकी अभी तक किसी का भी रोल नहीं पता चल रहा। परिवार का अभी कोई भी भूमिका नहीं है, बस सिर्फ पति पत्नी का मामला। पति ही मुख्य रूप से इसमें दोषी है। अभी बाकी जो भी स्पष्ट होगा वो विवेचना के बाद स्पष्ट होगा। संवाददाता मनीष नायक के साथ मुकेश राजपूत की रिपोर्ट।